नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Inside Interiors में। My name is Prince Verma। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया। पहले के वीडियोस भी आपने देखे होंगे, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको कुछ नोटिफिकेशन आता रहे। जब जब हम लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो मिलता रहेगा, उसकी आपको जानकारी टाइमली मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है वॉल से रिलेटेड। हम लोग वॉल पार्टीशन की आज बात करने वाले हैं कि वॉल पार्टीशन कितने टाइप के होते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपने ऑफिस में या अपने घर पर या कहीं पर भी कोई पार्टीशन से संबंधित कोई काम करवाना चाहते हैं। तो कॉस्ट किस तरीके का रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों से साझा करूंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पार्टीशन करवाते हम लोग बहुत तरीके से होता है। यूजुअली हम लोग चार पांच टाइप से पार्टीशन रखते हैं। एक तो ब्रिक वॉल का पार्टीशन है जो सिंपली हम दीवारों से पार्टीशन कर देते हैं। सेकंड पार्टीशन की मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम पार्टीशन आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स का उसमें यूज करते हैं। थर्ड पार्टीशन हमारा होता है वुडन पार्टीशन। फोर्थ पार्टीशन जो रहेगा वो हमारा होता है जिप्सम पार्टीशन। और जो फिफ्थ पार्टीशन की मैं बात करता हूँ, ग्लास पार्टीशन। मतलब कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल को, वो ज्यादातर इन्हीं मटेरियल से हम लोग पार्टीशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वन पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, वो है मेरा ब्रिक वॉल। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं ब्रिक से हम इजिली पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज रहता है कि एक बार आपने वॉल खड़ा कर दिया तो मतलब खड़ा हो गया फुल एंड फाइनल। टाइम ज्यादा लगता है इसको करने में, थोड़ा सा गंदगी भी ज्यादा फैलती है। लेकिन यह है कि अगर इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये मेरा एक ब्रिक का वॉल हो गया, नॉर्मली हम पार्टी जो करवाते हैं पार्टीशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में अगर मैं अपने ऑफिस में कोई पार्टीशन करवाता हूं, मुझे कुछ टाइमली आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में फिर आप ब्रिक वॉल की ओर नहीं जाएंगे। तो उस केस में हम लोग सेकंड पार्टीशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्दर इसके बाद के जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आप चूज कर सकते हैं। सेकंड पार्टीशन की अगर मैं बात करता हूं, वो रहता है एल्यूमिनियम पार्टीशन। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम पार्टीशन में हम लोग फ्रेम्स का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के मेरे फ्रेम रहते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि सीलन हो या जैसा भी एरिया हो, हम यहां पर इसको एल्यूमिनियम का पार्टीशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत इजीली इंस्टॉल होता है, जल्दी हो जाता है इंस्टॉल, ज्यादा गंदगी नहीं फैलती है इसमें। बेसिकली आपने शायद देखा भी होगा, पार्टीशन बहुत जगह पर ऑफिसेज में हम लोग करते हैं, फैक्ट्रीज में पार्टीशन करते हैं, तो एल्यूमिनियम का पार्टीशन हम लोग लेकर चलते हैं। एल्यूमिनियम पार्टीशन के अंदर देखिए, आप कई तरीके से पार्टीशन को सुंदर बना सकते हैं। एक तो है कि आप उसके अंदर एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेम बना के पार्टीशन का, उसमें आप ग्लास का यूज कर सकते हैं। सेकेंड केस में आप ग्लास की जगह पर एसीपी शीट्स का यूज कर सकते हैं। एक्रिलिक शीट्स की अगर मैं बात करता हूं तो उनका आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफिसेज वगैरह में कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम पार्टीशन के साथ एसीपी शीट्स, एक्रिलिक शीट्स का हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क आता है एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है उस केस में। और थर्ड डिजाइन के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप ग्लास प्लस एक्रिलिक शीट, लाइक ऊपर ग्लास या नीचे एक्रिलिक शीट का यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम पार्टीशन का आप यूज कर सकते हैं विद ग्लास, विदाउट ग्लास, एक्रिलिक शीट के साथ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज इसका एक बहुत अच्छा पार्ट है, अगर मैं एल्यूमिनियम पार्टीशन की बात करता हूं तो रीसेल वैल्यू आप लोग यूज को, वैसे इसका मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक मोटा मोटा लमसम अगर हम रफली कॉस्ट की और बात करते हैं, 170, 180, 200, 250, मतलब ये लगा लीजिए पौने 200 से 250, पौने 300 रुपए स्क्वायर फिट का इसका कॉस्ट पड़ जाता है अगर हम एल्यूमिनियम पार्टीशन की बात करते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि कल को अगर आपका मूड चेंज हो जाता है, आप इससे मन भर जाता है, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम आपका दोबारा से जो फ्रेम वगैरह है वो आपके दोबारा रीसेल वैल्यू, मतलब रीसेल हो जाएंगे, और उससे वैल्यू आपको ये लगा लीजिए कॉस्ट का 30-40% आपको आपकी पॉकेट में वापस आ सकता है। ये इसका बहुत अच्छा पार्ट है। और दूसरी बात हमारी है इजी टू इंस्टॉल, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और इजी टू रिमूव भी है ये। मतलब आप चाहते हैं कि इसको चेंज करके एक लोकेशन से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, कहीं और आपका शिफ्टिंग का कोई प्लान हो रहा है, तो आप इजिली इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और दूसरी जगह पर दोबारा से हम इसको वापस यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम पार्टीशन के बारे में। सो फ्रेंड्स,
थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो है वुड पार्टीशन का, जहां पर हम लकड़ी का यूज करते हैं, नेम सजेस्ट एज वुडन पार्टीशन। अब इसका क्या फ्रेंड, सबसे अगर एस्थेटिकली हम लोग बात करते हैं, मतलब सुंदरता की बात करेंगे, सबसे ज्यादा फिनिश की हम बात करेंगे, तो वुडन पार्टीशन आपको सबसे अच्छी फिनिश देता है, लुक बहुत प्यारी रहती है। हाँ, दो तीन पॉइंट्स हैं इसके, एक तो कॉस्ट बहुत आता है इसका, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है, और दूसरी बात टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, जो भी आप वुडन पार्टीशन बनाएंगे वो बहुत टाइम लेता है, कारपेंटर जब बनाएगा और फाइन फिनिश का यूज करेगा तो काफी ज्यादा टाइम आपका, एज कंपेयर टू अदर वॉल पार्टीशन की बात करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड लेती है ये। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स इसके बारे में, ये वुडन पार्टीशन का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बनते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग वुडन प्लैंक्स का यूज करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर के बाद में हम लोग दोनों साइड में प्लाई का यूज करते हैं, और फिर उसके ऊपर आप माइका यूज कर सकते हैं, उस पर पीवीसी विनियर शीट या लैमिनेट जो भी आप यूज करना चाहें, लैमिनेट का वो आप यूज कर सकते हैं, ग्रूव्स देना चाहें तो ग्रूव्स के डिजाइन दे सकते हैं इसके अंदर, मतलब आप मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। कुछ निश वॉल टाइप में आप इसमें डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी वुडन में क्रिएट कर सकते हैं, बट कॉस्ट मैटर्स। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज स्क्वेयर फिट हो गया, 500 रुपीज स्क्वेयर फिट, दैट डिपेंड्स ऑन डिजाइन, बट आप 350-400 रुपए तो मिनिमम मान के चलिए कि इसका पर स्क्वेयर फिट का खर्चा आराम से आ जाएगा बिल्कुल इसको करने पे हमारा। अब बात करते हैं हम लोग वुडन पार्टीशन के बाद में नेक्स्ट पार्टीशन पे चलते हैं, जो है हमारा जिप्सम पार्टीशन। फ्रेंड्स जिप्सम पार्टीशन बहुत इजी टू इंस्टॉल है, और अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो सबसे कम कॉस्ट में जो आपका काम होगा पार्टीशन का वो आपका जिप्सम पार्टीशन करेगा। सो फ्रेंड जिनको, जो लोग मतलब अपने ऑफिसेज में काम करवाना चाहते हैं और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं कि भी हमारा कम कॉस्ट में काम और स्पीडली काम हो हमारा, तो वो लोग जिप्सम पार्टीशन वॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जब हम जिप्सम पार्टीशन करते हैं तो अब इस पे वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं, एकदम फाइन फिनिश आपका लगने के बाद में पुट्टी का यूज करके हम लोग इस पे पेंट कर सकते हैं, फिनिश इस लेवल की आएगी जैसे आपकी नॉर्मल ब्रिक वॉल पे आती है। मतलब अगर सामने से आप देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि ये ब्रिक वॉल है मेरी, हम जिप्सम वॉल का यूज कर रहे हैं। जिप्सम वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो इसको बनाने का तरीका क्या रहता है, इसके अंदर हम लोग जी चैनल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, और एक बेस्ट पार्ट इसी के साथ में बताना चाहूंगा कि मैं इसमें ज्यादा हम लोगों को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली हॉल है, आप खाली हॉल के अंदर भी बिल्कुल ऐसी फील दे सकते हैं जैसे आपने ब्रिक वॉल का यूज किया है एट कंपेटिटिवली लोअर कॉस्ट। और दूसरी बात, मतलब ये मानिए आप 2-3 दिन में भी बहुत अच्छा एरिया कवर कर सकते हैं जिप्सम वॉल में। कॉस्ट की मैं बात करूंगा तो कॉस्ट की अप्रोक्सीमेटली 110-120 रुपए अप्रोक्सीमेट प्राइस है ये, दैट वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी। 110-120 रुपए में आपका आराम से स्क्वेयर फिट एरिया पे जिप्सम का पूरा वॉल खड़ा हो सकता है। बनाने का तरीका मैं बता, जो इसमें वॉल, जो हम जिप्सम की वॉल बनाते हैं वो कैसे, इसके लिए हम जीआई चैनल्स का यूज करते हैं। जीआई चैनल से स्ट्रक्चर बनाकर फिर उस वॉल, जो जिप्सम का हमारा बोर्ड होता है, उस बोर्ड को दोनों साइड में स्क्रू किया जाता है, इधर साइड से भी इधर साइड से भी। सो फ्रेंड्स इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेसी और ज्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो साउंड प्रूफ हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इसके बीच में ग्लास वूल का यूज करते हैं। सो जो पार्टीशन है, पार्टीशन हमने जीआई चैनल लगाने के बाद में एक साइड में हमने स्क्रूइंग कर दी उसकी जिप्सम बोर्ड की, और ये अवेलेबल होते हैं 8x4 के साइज में, थोड़ा डेलिकेट होते हैं, ध्यान से इनको लगाना पड़ता है। बेस्ट पार्ट है कोई भी साइज हो इसमें, हम डिजाइन चाहे तो आप डिजाइन भी निकाल सकते हैं। तो जो एक साइड यूज करके फिर सेंटर में हम लोग, अगर आपने कोई वायर उसमें रन करना है, कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपने उसमें से निकालनी है, तो आप उस चैनल में से निकाल के फिर उसके बाद में हम लोग दूसरी साइड के एरिया को भी बंद कर देंगे जिप्सम बोर्ड से और स्क्रूइंग कर देंगे। उसके बाद में फिर उस पर हम लोग नॉर्मल पुट्टी करवाकर और पेंट, वॉलपेपर, जो भी आप यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि कम कॉस्ट में आपका काम होगा, बहुत स्पीडली आपका काम होगा, लेकिन उसके साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलने पड़ते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला कि जहां पर ज्यादा नमी होगी उस एरिया में हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये नमी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मतलब या तो आप जमीन से थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलेंगे, हल्का सा गैप लेके चलेंगे फ्लोर से, वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। और सेकेंडली मैं बात करता हूं इसकी, इसके ऊपर आप कोई हैवी चीज हैंग नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि कोई भी हैवी चीज आप इसके ऊपर नहीं
टांग सकते हैं, कुछ इंस्टॉल करना चाहे नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो भी पर्सन है, जो भी एक्सपर्ट है जिप्सम वॉल बना रहा होगा, उसको आपको पहले बताना होगा, सो दैट जो वो स्ट्रक्चर बना रहा है उस स्ट्रक्चर में ही वो प्रोविजन कर देगा। आप चाहे अपना टीवी कैबिनेट लगाना है या आपको कोई वॉल हैंगिंग कुछ भी हैवी चीज लगानी है, तो आप उसको पहले बता देंगे कि हमें यहाँ यहाँ पर ये चीज लगानी है। उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर के अंदर ही एक्स्ट्रा चैनल्स वगैरह लगा के आपको प्रोविजन दे देगा, उसके बाद फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि बनने के बाद में आप रैंडमली कहीं भी आप इंडिपेंडेंट है, नहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं है वहां पर लगाने के लिए। आपको बहुत देख के हल्की फुल्की सीनरीज वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी आइटम को लगाने के लिए आपको उसको बताना होगा जो भी वो जिप्सम की वॉल बना रहा है, और फाइन फिनिश आप उसके साथ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जिप्सम वॉल के बारे में। उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट पार्टीशन की बात करते हैं, दैट इज ग्लास पार्टीशन। बहुत प्यारे लगते हैं, आपने ऑफिसेज में देखा होगा कंपनीज के अंदर भी जो मीटिंग रूम्स वगैरह होती हैं उसके लिए हमारा ग्लास पार्टीशन का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जहां पर भी जिस भी स्पेस में आप पार्टीशन ग्लास के करवाना चाहते हैं उसकी आपको ड्रॉइंग जरूर बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्लास पार्टीशन बनाने के लिए पहले इनका हमें साइज पता होना चाहिए एग्जैक्ट, उसी के हिसाब से कंपनी से ग्लास कटकर आते हैं, टफन ग्लास जो आते हैं वो कटकर बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में आएंगे। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की हमें जरूरत होती है जब हम लोग अपने आप से इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं कर सकते, तो पहले आपको डिजाइन उसका लेआउट तैयार करना होगा, साइज बनाना होगा, कितनी हाइट आपको रखनी है, क्या विड्थ आपको रखना है ग्लास का, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। और थिकनेस की अगर मैं बात करता हूँ ग्लास में यूजुअली तो 10 mm 12 mm का थिकनेस बहुत होता है एक ग्लास पार्टीशन के लिए, ये ज्यादा भी जा सकता है लेकिन उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा आपकी उसकी कॉस्ट आती चली जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपके ग्लास पार्टीशन की, अगर मैं बात करूंगा तो हमारा अगर कॉस्ट की मैं इफेक्टिवनेस की कॉस्ट की बात करूंगा तो ये मान के चलिए कि हमारा अगर ग्लास ही मैं लेता हूँ 150-200 रुपए खाली ग्लास का कॉस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में और भी उसकी कॉस्ट आ जाती है, तो तकरीबन ये मानिए 250-300 रुपए अप्रॉक्सीमेट की मैं बात करता हूँ तो 250-300 रुपए स्क्वेयर फीट के करीब का आपका इसका प्राइस आ जाता है ग्लास का। एक लेकिन एक वर्स्ट पॉइंट इसका यह है कि कोई रीसेल वैल्यू नहीं है इसकी, ये ग्लास आपका कहीं फिर यूज होने वाली स्थिति में नहीं रहता, मतलब आपको आप कहेंगे आपको कुछ रीसेल वैल्यू मिल जाए, वो आपको नहीं मिलेगा इस चीज का रीसेल वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये है पार्टीशन के बारे में। अगर इसमें आप ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन सारों का करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉस्ट की बात करेंगे तो वो आपकी आएगी वुडन की कॉस्ट, लेकिन उसकी फिनिश भी सबसे ज्यादा आएगी। फिर उसके बाद में जो हमारे एल्यूमिनियम की मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम या ग्लास की मैं बात करता हूँ, ये दोनों एल्यूमिनियम पार्टीशन है ग्लास पार्टीशन नियर बाय प्राइस पे रहते हैं, बहुत बड़ा इनके अंदर वेरिएशन नहीं रहता है। और सबसे कम अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहते हैं कि कम कॉस्ट में आपके रूम्स बन जाए, बहुत अच्छे ऑफिसेज के पार्टीशन बन जाए, तो वहां पर आप फिर जिप्सम पार्टीशन को ऑप्ट कर सकते हैं, मार्केट में पता कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिश आपको पार्टीशन में मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा वॉल टेक्सचर्स, मतलब उस पर कुछ भी फिर आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का वीडियो में पार्टीशन के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर आपको इससे रिलेटेड रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।